यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है ऑल सेट अंडर इन्वेस्टिगेशन इन एनी एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी आर अज्यूम टू बी कंटेन इन सम लार्ज फिक्स्ड सेट कॉल्ड यूनिवर्सल सेट आर यूनिवर्स। सेट थ्योरी के अंदर हम जितने भी सेट कंसिडर करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे जितने भी सेट, उन सब के लिए कोई ना कोई एक लार्ज सेट होगा जो उन तमाम सेट को कंटेन करेगा। उस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्स। एग्जांपल देखें, अगर हम प्लेन ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं तो प्लेन ज्योमेट्री के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो है ऑल द पॉइंट इन द प्लेन। ऐसे ही अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो है ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट की डेफिनेशन। अब देखें, एक यूनिवर्सल सेट यू है और एक प्रॉपर्टी गिवन है, देयर मे बी नो एलिमेंट इन यू विच हैज़ द प्रॉपर्टी पी। यानी ऐसा मुमकिन है कि यू में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल देखें, s equal to x such that x is a positive integer and x square equal to 3। अब देखें, पॉजिटिव इंटीजर में कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका हम स्केयर लें तो 3 आए, तो इट्स मीन ये जो सेट s है ये एम्प्टी सेट है। ये जो सेट s है हैज़ नो एलिमेंट सिंस नो पॉजिटिव इंटीजर हैज़ द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो दिस सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट आर नल सेट, और इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ये जो फाई है ये ग्रीक लेटर है, और ये जो फाई एम्प्टी सेट है ये सिर्फ एक ही होता है। अगर हमारे पास दो एम्प्टी सेट है ना एस एंड टी, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे कि उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सेम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कौन से हैं वो है नन, यानी उनमें कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट की। सपोज एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। यानी ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो तो फिर हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। या इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, ए इज कंटेन्ड इन ए, यानी ए बी में कंटेन करता है, आर बी कंटेन से या बी ए को कंटेन कर रहा है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट बी आर बी कंटेन ए। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, डेट इज इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर ए बी का सबसेट ना हो, अब ए बी का सबसेट कब नहीं होगा, जब ए का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमें जो बी को बिलोंग ना करता हो, तो फिर हम लिखेंगे ए नॉट सबसेट ऑफ बी या बी नॉट कंटेन ए। एग्जांपल देखें, ये सेट ए बी सी गिवन है। अब देखें, ये जो सेट सी है इसके एलिमेंट हैं 1, 5, इसके एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, तो सेट सी ए का सबसेट होगा। ऐसे ही देखें, सी के एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद है, तो सेट सी सेट बी का भी सबसेट है। अगर हम ए बी को देखें तो बी के जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 5, 7, ये सारे के सारे ए में मौजूद नहीं है। देखें 1, 3, 5, ये तीन एलिमेंट तो ए के हैं, लेकिन बी के एलिमेंट ये 2 और 7, ये दो ऐसे हैं जो ए को बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप ए को देखें तो ए में 8, 9 है, ये सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो ए भी बी का सबसेट नहीं होगा। अब ये तीनों सेट जो हैं वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होते हैं, इसलिए इन तीन सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट हम कंसिडर करेंगे उसमें कम से कम एलिमेंट जो हैं वो ये होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी इन तीनों सेट के जो एलिमेंट जो सेट भी कंटेन करेगा वो इनके लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं 1, 2, 3, 4, ये सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर के, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर के। एग्जांपल 3 में देखें, सेट ई है 2, 4, 6 और सेट एफ है 6, 2, 4। देखें सेट ई के तमाम एलिमेंट एफ में मौजूद हैं, तो ई जो है वो एफ का सबसेट है। सिंस ईच नंबर 2, 4 एंड 6 बिलोंगिंग टू ई आल्सो बिलोंग टू एफ, इनफैक्ट ई इक्वल टू एफ, ई और एफ इक्वल है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। फर्स्ट है एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, सिंस बाय डेफिनेशन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू यू, आल्सो द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हर सेट जो है वो अपने यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, और जो एम्प्टी सेट है ये हर सेट का सबसेट होगा, यानी एम्प्टी सेट ए का सबसेट होगा। नेक्स्ट है एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, सिंस ट्रिवियली एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू ए, हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होगा। रीजन क्या है कि सेट ए के एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे होंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग टू सेट सी, देन क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू सी। अगर ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है और बी का हर एलिमेंट सी का एलिमेंट है, तो यहाँ से क्लियर है कि ए का हर एलिमेंट सी का भी एलिमेंट होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो देन ये जो ए है वो भी सी का सबसेट होगा। नेक्स्ट है इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स, दैट इज ए इक्वल टू बी। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, और बी भी ए का सबसेट हो तो बी के भी सारे एलिमेंट ए में मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे हैं। अगर वो एलिमेंट सेम होंगे तो फिर ए इक्वल होगा बी के। कन्वर्सली इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी इक्वल हैं तो देन ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का, सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए ए बी का सबसेट होगा और बी ए का होगा। नेक्स्ट ये थ्योरम है, फॉर एनी सेट ए वी हैव फाई सबसेट ए, ए सबसेट यू, यानी फाई ए का सबसेट होगा और ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। सेकंड है कि हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। थर्ड है कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन ए सबसेट सी। फोर्थ वन, ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। जो ऊपर हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं को ये लिखा गया है। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। इफ ए सबसेट बी, देन इट इज स्टिल पॉसिबल दैट ए इक्वल टू बी व्हेन ए सबसेट बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और वी विल राइट ए सबसेट बी व्हेन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी फॉर एग्जांपल। अब देखें ए जो है वो बी का सबसेट है, और ये पॉसिबल है कि ए इक्वल हो बी के, क्योंकि हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। लेकिन अगर ए बी के का सबसेट है और ए बी के इक्वल भी नहीं है, तो फिर जो ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। एग्जांपल देखें, ये जो सेट ए है ये है 1, 3, ए के अंदर एलिमेंट 1, 3 है और बी में है 1, 2, 3। अब सेट ए बी का सबसेट है लेकिन सेट ए बी के इक्वल नहीं है, तो जो सेट ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ऐसे ही सेट ए सी का भी प्रॉपर सबसेट है, लेकिन देखें ये जो सेट बी है
ये सेट सी का सबसेट है। देखें बी में 1, 2, 3 है, सी में भी 1, 2, 3 है, बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं, तो बी सी का सबसेट है। लेकिन बी जो है वो सी के इक्वल भी है, इसलिए बी सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। टू सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ऐसे दो सेट डिसजॉइंट कहलाते हैं अगर उनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। अब ए है 1, 2, बी है 2, 4, 6। अब इन दोनों में देखें 2 कॉमन है, तो ए और बी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। ऐसे ही बी सी को देखें तो इसमें 4, 6 कॉमन है, तो बी और सी भी डिसजॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हम ए और सी को देखें तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए और सी जो हैं ये डिसजॉइंट है। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वेयर सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय इनक्लोज्ड एरिया इन द प्लेन। वेन डायग्राम के अंदर हम सेट को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए हम जो शेप या पिक्चर यूज करते हैं वो है रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल शो करेंगे, एंड द अदर सेट्स आर रिप्रेजेंट बाय डिस्क लाइंग विद इन द रेक्टेंगल। और जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है यानी सेट ए बी सी वगैरह, उनके लिए हम यूनिवर्सल इस रेक्टेंगल के अंदर जो है ये डिस्क यूज करेंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर ए सबसेट है बी का, देन डिस्क रिप्रेजेंट ए विल बी इंटायरली विद इन द डिस्क रिप्रेजेंट बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ये जो फिगर ए है इसमें देखें, ये जो बड़ी डिस्क है ये सेट बी को डिनोट कर रही है और जो छोटी है अंदर वो सेट ए को, तो ए की जो डिस्क है वो सारी की सारी बी की डिस्क में कंटेन कर देगी। और ये जो सेकंड फिगर है इसमें देखें ए और बी डिसजॉइंट है, तो देखें बी के लिए हमने अलग से डिस्क बनाई और ए के लिए अलग से बनाई, और इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और सी में देखें कि अगर ए और बी जो है उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, यानी ना तो ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है, बल्कि उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो इनको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो उसके लिए हम ये फिगर सी बनाएंगे कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी में आएगा और बी का कुछ हिस्सा ए में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑपरेशंस। रीडर हैज लर्न टू ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई इन द ऑर्डिनरी अरिथमेटिक ऑफ नंबर। आम जो नंबर हैं उन्हें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज टू ईच पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी वी असाइन। अब ए बी को अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ए प्लस बी मीन सम ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी मीन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, एंड नंबर ए बी कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दीज असाइनमेंट्स आर कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर। इन्हें हम कहते हैं जी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर। दिस सेक्शन डिफाइन अ नंबर ऑफ सेट ऑपरेशन इंक्लूडिंग द बेसिक ऑपरेशन ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट वेयर न्यू सेट विल बी असाइंड टू पेयर ऑफ सेट ए एंड बी। अब हम सेट के ऊपर जो ऑपरेशन है उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। Union of two sets A and B denoted by A union B is the set of all elements which belong to A or B. दो सेट के यूनियन को A union B से डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे जो A को बिलोंग कर रहे हों और B को बिलोंग कर रहे हों। ये हम लिखेंगे A union B equal to X such that X belong to A R X belong to B. Next है इंटरसेक्शन।
Intersection of two set A and B denoted by A intersection B is the set of all elements which belong to A and B, which belong to both A and B. यानी इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो ए को भी बिलोंग करें और बी को भी बिलोंग करें. यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी. वेन डायग्राम में देखें, ये जो फर्स्ट है ये ओवरलैपिंग हमने सेट लिए ए और बी, तो जो यूनियन है उसमें सेट ए के भी तमाम एलिमेंट हैं, बी के भी हैं, तो हमने ए और बी दोनों सेट को शेड कर दिया. जबकि ये जो फिगर बी है इसमें देखें ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहे हैं. तो देखें सेट ए और बी में ये जो कॉमन रीजन है सिर्फ इसे हम शेड करेंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये सेट ए एग्जांपल है 1.3, सेट ए बी सी गिवन है. अब देखें जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट लिख देंगे हम, और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर वो सिर्फ वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहे हैं. यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे. अब देखें ए बी में कॉमन 3-4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी 3-4 आ गया. ऐसे ही जब ए यूनियन सी लिखेंगे तो ए और सी के तमाम एलिमेंट आ गए. जब ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो इसमें ए और सी के कॉमन एलिमेंट हम लिखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल बी है, let u denote the set of student at a university and let m and f denote respectively set of male and female. u jo hai wo university ke tamam student ka set hai aur m set m ke andar sirf male student hai aur set f mein female student hai. jab hum m union f lenge to ye hamare paas U के इक्वल आ जाएगा, यानी टोटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आ गए. लेकिन जब हम M इंटरसेक्शन F लेंगे तो ये एम्प्टी सेट आएगा, फाई आएगा. यानी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो M और F दोनों सेट को बिलोंग कर रहा हो. नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज यूनियन और इंटरसेक्शन की. एवरी एलिमेंट X इन A इंटरसेक्शन B बिलोंग टू बोथ A एंड B. अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो वो सेट ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, तो इसलिए वो एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये सबसेट होगा सेट ए का भी एंड ये सबसेट होगा सेट बी का भी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट हैं. यानी ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो सेट ए के भी एलिमेंट है और सेट बी के भी एलिमेंट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का. ये ऊपर जो हमने एग्जांपल की है इसमें देखें ये जो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला ये 3-4 है, तो देखें 3-4 सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट हो गया. ऐसे ही देखें ये 3-4 सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट हो गया. नेक्स्ट है एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू अ यूनियन ए यूनियन बी इफ एक्स बिलोंग टू ए आर एक्स बिलोंग टू बी. अब देखिए अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है फिर या तो वो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा. हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो ए का हर एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा एंड एवरी एलिमेंट इन बी बिलोंग टू ए यूनियन बी, और बी का भी हर एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा. तो यहां से क्लियर हो गया कि ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का. अब इसको भी देखें, ये सेट ए और बी है, इसका हमने यूनियन लिया तो ए यूनियन बी इक्वल आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब देखें सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ये एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहे हैं तो सेट ए ए यूनियन बी का सबसेट हो गया. ऐसे ही बी के एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, 7, ये भी ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहे हैं
तो बी जो है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी सेट ए एंड बी वी हैव ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए। आप देखें ऊपर जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें देखें ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो इन्हें हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए और ए सबसेट ए यूनियन बी। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी एंड बी सबसेट ए यूनियन बी। ऑपरेशन ऑफ सेट इंक्लूजन इज आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट थ्योरम है, ए सबसेट बी, अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट ए के इक्वल आएगा और जो ए यूनियन बी है वो सेट बी के इक्वल आएगा। यानी अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए है और अगर यूनियन लेंगे तो वो बी के इक्वल आएगा। ये उस सूरत में आएगा जब ए सबसेट होगा बी का।